से देखें, क्योंकि दोपहर का भी समय और बाहर अगर आप देखेंगे तो धूप बहुत ज़्यादा है। जो लोग इस वक्त घर में मौजूद हैं उन्होंने ज़्यादा जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो लोग बाहर हैं, जो सड़क पर निकल रहे हैं, उन्होंने ज़रूर भूकंप के झटके नहीं महसूस किए। और जिस तरीके से रिफत भी यहाँ पर बता रहे थे कि अगर रिक्टर स्केल पर 6 से कम की तीव्रता होती है तो फिर यहाँ पर थोड़ी गुंजाइश ये होती है कि उतना ज़्यादा नुकसान जो ज़्यादा पहाड़ी इलाकों के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर नहीं होता है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, चूँकि यहाँ पर देखिए आपको सड़क भी ज़रूर नज़र आएगी, जो लोग यहाँ पर चल रहे हैं उन्होंने ज़रूर महसूस नहीं किया, लेकिन उसके उस तरफ मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगी कि ज़रा यहाँ पर दिखाइए। जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग हैं यहाँ पर, जो घरों के अंदर हैं उन्होंने ज़रूर ये बताया, जब हम वहाँ से निकल रहे थे उनकी ओर से बताया गया कि किसी ने वहाँ पर देखा कि उनके उनके जो घर का पंखा था वो हिलता हुआ नज़र आया और कुछ सेकंड में उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पर भूकंप आया है। हालांकि देखिए आफ्टर शॉक की जो बात की जाती है, अभी तक क्योंकि समय हो गया है भूकंप को, अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और पूजा आपको याद होगा कि अब से कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि एक के बाद एक ऐसा समय आया था जब भूकंप के तेज़ झटके दिल्ली NCR में इससे पहले भी महसूस किए गए थे और अब एक बार फिर से भूकंप का यहाँ पर आना दिल्ली NCR में खासतौर पर बहुत चिंता की बात है। लवीना, हम आपके पास आएंगे एक बार फिर से, लेकिन फिलहाल जो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ये कि उत्तर भारत में भूकंप के झटके, कई राज्य प्रभावित और गुजरात में तूफान कौन सा है? चक्रवाती तूफान विपुल जॉय है। और इस तूफान से भी सिर्फ गुजरात प्रभावित नहीं है बल्कि आसपास के जो राज्य हैं वो भी प्रभावित हैं। कई केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भी इसकी जद में हैं। हालांकि देखिए उत्तर भारत में भूकंप का जो झटका महसूस किया गया है 5.4 उसकी तीव्रता मापी गई है। और उधर गुजरात में बिपोरजॉय तूफान जो कि धीरे धीरे तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है उससे निपटने की तैयारियां फिलहाल वहां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि भूवैज्ञानिक को हम इससे पहले थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने ये बताया कि इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई मेल नहीं है, लेकिन चिंता की बात जरूर है क्योंकि उत्तर भारत भूकंप की वजह से कांपा है और दूसरी तरफ गुजरात में तूफान का असर दिखाई दे रहा है। तो अब चक्रवाती तूफान पे हम फोकस करेंगे। बिपोरजॉय ने गुजरात के तट से टकराने से पहले ही अपना खतरनाक रूप सुबह से दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम बहुत चेंज हो चुका है गुजरात और महाराष्ट्र में, तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं और वहीं केरल में तेज बारिश हो रही है। महातूफान बिपोरजॉय की हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें ऐसी ही दिखा रहे हैं जिसमें तबाही तो नहीं आप कह सकते हैं लेकिन मौसम बहुत बदल चुका है। जगह जगह पे भारी बारिश, तेज बारिश और मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव, काले बादल छाए हुए हैं इन इलाकों में। पहली तस्वीर देखिए गुजरात के पोरबंदर से, जहां चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे रहा है, वहां समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और वहीं दूसरी और तीसरी तस्वीर जो है वो गुजरात के द्वारका से आई है, जहाँ समंदर में उफान की वजह से तटों के किनारे वहां ना जाने के बोट लगा दिए गए हैं। मछुआरों को सख्त हिदायत है कि आप किसी भी सूरत में समंदर में नहीं जाएंगे और साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए NDRF की कई टीमें भी तैनात की गई हैं। केरल में जोरदार बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है, वहीं मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि मुंबई में भी समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं, गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय का असर साफ दिखाई देने लगा है। द्वारका और कच्छ में तेज हवाएं चल रही है इस वक्त, साथ ही बारिश भी तेज हो रही है। इसके साथ ही समंदर में कई फीट ऊंची लहरें, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में तूफान का असर सुबह से ही दिखाई दे रहा है और वहां के हालात को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि शाम का वक्त है। द्वारका में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है, इसके अलावा कच्छ के भी इलाकों में भारी बारिश सुबह से ही हो रही है। 15 जून को हालांकि ये जो तूफान है वो तट से टकराएगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्योंकि तट की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में हवाओं की रफ्तार और तेज होती जा रही है और समुद्र में लहरें जो उठ रही है वो और ऊंची होती जा रही है। इसके साथ ही भारी बारिश इन सभी इलाकों में, हालांकि इन सभी इलाकों को पहले ही खाली करा लिया गया है। देवभूमि द्वारकाधीश में सख्त मनाही है कि कोई भी वहां ना जाए। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ये लोगों से अपील की है, गुजारिश की है कि कुछ दिनों तक आप द्वारकाधीश दर्शन के लिए नहीं पहुंचे क्योंकि खतरा वहां भी है। और वहां से हमने जो आप तक रिपोर्ट पहुंचाई थी, समंदर की ऊंची ऊंची लहरें वहां भी है। तो गुजरात में बिपोरजॉय तूफान की रफ्तार बढ़ने लगी है। पोरबंदर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तूफान का असर इस वक्त दिख रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है, हवाओं की रफ्तार भी बढ़ गई है और मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। वहीं तटीय इलाके में बसे लोगों को समंदर से 10 किलोमीटर दूर सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया है।
खतरनाक होता जा रहा है। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय का असर दिखने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं और हवाओं की रफ्तार भी तेज हो गई है। बिपोरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपोरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तूफान बहुत जल्द तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के पहुंचने पर हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे के पार जा सकती है। साइक्लोन बिपोरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं, छोटा कस्बा जैसा है लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के खतरे के बीच बड़े पैमाने पर राहत बचाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है और तूफान बिपोरजॉय जहां से गुजरेगा वहां लोगों को मदद की जरूरत होगी, इसीलिए राहत बचाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ, इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट हैं। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से हैं कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगा कर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि यह चक्रवाती तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए कोस्ट गार्ड ने मार निगरानी के लिए 7 बड़े जहाजों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड के 31 डिजास्टर रिस्पांस टीम रात और बचाव के लिए स्टैंड बाई मोड पर है। 2 गुजरात तट के पास और 5 महाराष्ट्र तट के पास तैनात किए गए हैं। साइक्लोन जहां पर भी इफेक्ट करेगा, जहां क्रॉस कर जाएगा और वहां मदद की जरूरत होगी, ये जहाज तैयार है। आने वाले खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोस्ट गार्ड के जवानों ने गुजरात के ओखा से 50 किलोमीटर दूर समंदर में एक निजी कंपनी की ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हुए थे। कोस्ट गार्ड के जवानों ने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल रहा है। तूफान का असर रेलवे यातायात के ऊपर भी पड़ा है, लिहाजा एहतियातन गुजरात में 125 से ज्यादा ट्रेनें रोक दी गई हैं। इसके साथ ही रेलवे के भी कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। हेल्थ यूनिट के साथ रिलीफ ट्रेन भी तैयार है। सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम हमारे जो डिवीज़न है और उनके हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों में। गुजरात